भाई ड्रामा का भी एक लिमिट होता है समित भाई, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। ड्रामा का लिमिट नहीं है, ड्रामा कर रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं ये आप क्यों ले लेते हैं कि देश की बदनामी हो रही है? देश में तो है ही, आप देख लीजिए। आप मुझे रवि जी थोड़ा सहिष्णु के सुन भी लीजिए, सुन रहा हूँ। कोई कमीना भट नहीं है, जावेद अख्तर का सिनेमा की मैं एक माँ हूँ। भारत में तकरीबन मेनस्ट्रीम मीडिया के डिबेट में हमें संबित पात्रा ही दिखाई देते हैं। ऐसे कम ही मौके हैं जब संबित को डिबेट में किसी ने चुप करवाया हो। एंकर भी संबित का ही साथ देते नजर आते हैं ज्यादातर, लेकिन आज हम आपको संबित पात्रा की वो डिबेट दिखाएंगे जब वे एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के सामने आए हों। संबित और अन्य बीजेपी नेताओं ने अब तो रवीश के साथ डिबेट करना छोड़ ही दिया है, इसलिए हम आपको उनकी कुछ पुरानी डिबेट्स दिखाएंगे। एनडीटीवी पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर एक डिबेट हुई जिसमें रवीश ने घोटालों को लेकर संबित पात्रा से सवाल किए। संबित ने बीच डिबेट में माइक बंद होने का जिक्र किया जिस पर रवीश ने संबित को ड्रामा ना करने को कहा। व्यापम घोटाला हुआ वहाँ तो कोई किसी अधिकारी के खिलाफ क्या क्या चार्ज हुआ, कौन जेल गया वहाँ पर, किसके खिलाफ FIR हुई? ठीक है, इस तरह की बात है ये चुन चुन के एक आदमी जो आप ने आशीष जोशी का उदाहरण दिया, आपने सांगी का उदाहरण नहीं दिया कि आशीष जोशी क्या वहां के मॉनिटर हैं कि उनको हटाया गया तो सारे अधिकारी उनके पास गए। ठीक है, आपने एक सवाल का जवाब दे दिया, मैं ये पूछने वाला था। ये शराब पकड़ी गई, 2,00,000 रुपया पकड़ा गया, कोई अधिकारी 20 साल से नौकरी में है उसके अकाउंट में 27,00,000 रुपया नहीं हो सकता है क्या? है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका चैनल फोन लगाए मुझे दोबारा, चाहिए आवाज तो टीवी से तो सुन ही रहे ना, इससे बोल लीजिए। हाँ ड्रामा का भी एक लिमिट होता है समित भाई, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। ड्रामा का लिमिट नहीं है, ड्रामा कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि टेलीविजन में सिग्नल कट जाता है, आप काट दिया जा रहा है, और कोई मुझे काम नहीं है कि आपको हम आपको काट दे रहे हैं। गजब हाल है, बोलिए ना, 5 मिनट बोलिए आप। आप जानते हैं अच्छी तरह से, मैंने हमको और कोई काम नहीं है क्या? सवाल पूछा जाता है और हर बार आप जवाब दीजिए, आपका कट गया तो आप लगाइए ना सर, आपके पास जवाब नहीं है क्या? आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, 70-75 प्रवक्ता हैं आपके, आपको कौन लाइन काट लगा? गजब बात करते हैं, बोलिए, मैं नहीं टोकने वाला। पूरा देश देख रहा है, देश कुछ नहीं देख रहा है, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप वो सवाल का जवाब दे दीजिए, देश को टीवी से नहीं दिखता है। एनडीटीवी पर ही आमिर खान के बयान पर डिबेट हुई। इस डिबेट में रवीश ने कुछ बयानों पर संबित से सवाल किए जिस पर संबित बात को इधर उधर घुमाने लगे, तभी रवीश ने उनको टोकना शुरू किया। हम तंदूर के पास जाएंगे तो ये कांग्रेस के लोग हमें वहाँ भून देंगे। नहीं, एक आदमी ने बड़ा खराब काम, बिल्कुल सही जवाब दे रहा हूँ। आप ठीक है, आप कह रहे हैं महिला घर में, आप क्या जवाब दे? आप बोल रहे हैं कि वो आदमी डर रहा है कि कोई भी मीट नहीं बनाएगा, हम यही ना बोलेंगे आपको। बहुत आप इतना बता दिया, आमिर खान के बयान से अगर देश की बदनामी होती है तो ये पाकिस्तान भेजने वाले बयानों से देश का क्या होता है, नाम होता है? देखिए, हम पाकिस्तान का टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, क्या होता है? देखिए, आमिर खान जी के बयान से देश का क्या होता है मैं तो नहीं जानता हूँ, मगर पूरे विश्व में आमिर खान एक साधारण व्यक्ति तो है। आप लोग सरकार पे क्यों दिल पे ले लेते हैं? जैसे अरुण शौरी ने आलोचना की प्रधानमंत्री की, ठीक से बोल रहे हैं, उनके बहुत सारे शब्दों से मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता कि इस तरह से नहीं बात बोलना, लेकिन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया आलोचना है क्या? असहिष्णुता को आप अपने दिल पे क्यों ले लेते हैं? नहीं नहीं, ये आप क्यों ले लेते हैं कि देश की बदनामी हो रही है? देश में तो है ही, आप देख लीजिए। आप मुझे रवीश जी थोड़ा सहिष्णु के सुन भी लीजिए, सुन रहा हूँ, बताइए ना, आपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? सोशल मीडिया में किसने क्या कहा ये बीजेपी का काम है, ये भी असहनशीलता का पार्ट है ना। वो अगर उसकी आइडियोलॉजी आपसे मिल जाए, वो आपका फोटो लगा के इस तरह की बातें करते, विगत 7 महीना तो आप क्यों अपने ऊपर ले लेते हैं? उन्होंने एक सप्ताह में ही आखिर ऐसा क्या बदलाव हुआ कि अब ऐसा हो गया? दूसरी बात, मोदी जी के लिए उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आ गया है जिससे देश में पॉजिटिव बदलाव हो रहा है। आप बताइए, 15-11 आप नहीं बता रहे, आप मुझे बताइए। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं चेक करके बैठा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 10 दिन पहले प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा है, उसके बाद आपके प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि ये भारत के खिलाफ कोई साजिश है। आप बताइए ना कि एक हफ्ते में वो आदमी क्या साजिश कर रहा है? हो गया, वो तो दंगल की शूटिंग कर रहा था वो कहीं पे, वो क्या साजिश कर रहा है? दोनों उत्तर दे रहा हूँ, मैं दोनों उत्तर दे रहा हूँ। एनडीटीवी पर एक डिबेट में रवीश ने संबित से एक मुद्दे पर सवाल किया जिस पर संबित और रवीश में तीखी बहस होने लगी, पर रवीश बार बार ललित मोदी के मुद्दे पर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में रवीश ने मंत्रियों द्वारा डॉक्यूमेंट पर साइन किए जाने और ललित मोदी से मुलाकात के मुद्दे पर सवाल किए जिस पर संबित पूरी तरह फंसते नजर आए, पर राम मंदिर के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में रवीश ने बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो में राम मंदिर के वादे पर कुछ सवाल किए जिस पर संबित विपक्ष पर ही निशाना साधते नजर आए, पर रवीश ने उन्हें सही जवाब देने को कहा। लोगों में भी खबर है, हमने भी खबर है कि ना कानून तोड़ेंगे ना किसी तो के दिल को तोड़ेंगे। देखिए, कानून तो एक बार टूट चुका है, वो 92 में कानून टूट चुका है, वो छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं टूटा है, टूट चुका है अपने हिसाब से ना।
ये बात इसका जवाब जब पूछ रहा हूँ कि जब विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं कि आप संसद में कानून बनाकर मामला मार्ग को प्रशस्त कीजिए, क्योंकि अदालत का फैसला आने में ही 10-15 साल और लग जाएंगे, ठीक है, उस पर जवाब दीजिए ना। तो आप पूरा भारत भूमिका सब पालनपुर तक पहुँच गए। अभी मैं इंडियन एक्सप्रेस में वली अहमद का आर्टिकल पढ़ रहा था, लेकिन जो आप लोग पहले नंबर पर वो राम मंदिर मुद्दा होता था और इस बार 41वें पेज पे चला गया है वो घोषणा पत्र में। तो मैं इस पे पूछ रहा हूँ कि जो राज्य लोकसभा में कानून लाने वाली बात है उस पे आपकी क्या राय है? घोषणा पत्र में राम मंदिर किस स्थान पे है उससे महत्वपूर्ण है कि हमारे दिल में राम मंदिर उसी स्थान पे है जिस स्थान पे था। और जहां तक कानून का विषय है, लेकिन जहां खूब बात देखिए आप बात बना रहे हैं, अटल जी के आत्मा को चोट पहुंचाने वाला विषय है जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन राम राम मंदिर राम राममय के लिए बिता दिया। आपने अगर उनके अंत्येष्टि में उनको याद नहीं किया जाएगा तो आप एक मृतक व्यक्ति के आत्मा को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वही तो मैं जानना चाहता हूं कि उनकी आत्मा को ठेस ना पहुंचे आप क्या सीरियसली करना चाहते हैं, तो आप बता ही नहीं रहे। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि बताएंगे, जो भागवत जी ने संकल्प लिया कि उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए, वो तो आप बता ही नहीं रहे हैं कि उनके रास्ते से आप चलने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार। ये तो थे कुछ पल जब रवीश और संबित आमने सामने आए हूँ और रवीश के तीखे सवालों से संबित घबरा गए हूँ। हम उम्मीद करेंगे कि हमारा गोदी मीडिया भी बीजेपी और सरकार नेताओं से ऐसे ही सवाल करने की हिम्मत दिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। Please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.